एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेसरी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी एंकर तरन्नुम। तो गाइज, आज हम शूट कर रहे हैं एक अनदर वीडियो, जिसमें आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो बना हुआ है बहुत ही प्राइम लोकेशन पर, जिसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, योर शोरूम्स, रिटेल आउटलेट्स, योर माइक्रो ब्रूरीज, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, आपके सोहो, आपके किड्स प्लेइंग एरियाज, लाइक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। बट इससे पहले कि मैं आपको प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करूँ, पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊं, आप उससे पहले देखिए कुछ क्लिप्स। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाऊं एंड बाकी चीज़ें बताऊं, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय एरियाज़ की। क्योंकि अगर हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके आसपास का एरिया कैसा है, उससे आइडिया आपको लग जाता है कि आपके प्रोजेक्ट में कितना फुटफॉल रहने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अराउंड का जो एरिया है वहाँ पर आपको 6 to 7 lakh पीपल्स का क्राउड मिल जाएगा। बहुत सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ इसमें नियर बाय में हैं आपकी, जिनमें से अगर मैं कुछ के नाम बताऊं तो आपका डिवाइन वर्ल्ड आ जाएगा, SBP का प्रोजेक्ट यहाँ पे है, दो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे SBP के, आपका यहाँ पे लैंडमार्क है, गोल्ड होम्स है, लीला ऑर्किड है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे नियर बाय में हैं। मतलब अगर मैं अराउंड बात करूँगी तो 10 to 15 प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। खरड़ बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये आपका 3 kilometers आ जाता है। तो इस 3 kilometer के एरिया में 10 to 15 आपके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से ना आप अपने प्रोजेक्ट के फुटफॉल का आइडिया लगा सकते हैं कि कितने लोग आपके प्रोजेक्ट को विजिट करने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे नियर बाय में कोई भी ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। तो गाइज, आज के हमारे प्रोजेक्ट का नाम है 9th Avenue बाय मोतिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो लोकेटेड है आपके 115 सेक्टर मोहाली में, एंड कनेक्टेड रहेगा आपके खरड़ लांड्रा हाईवे के साथ। जहाँ पे अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये आपका खरड़ बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये आपका 3 kilometer आ जाता है। मतलब 3 kilometer अवे है आपका खरड़ बस स्टैंड यहाँ से। अगर हम और बात करेंगे तो यही सीधा रोड आगे जाके आपके दिल्ली, आपके मनाली हाईवे को भी कनेक्ट करता है। यहीं से आप एयरपोर्ट रोड की साइड को भी जा सकते हैं, एयरपोर्ट को रीच कर सकते हैं। यहीं से सीधा अगर आप चले जाएंगे आप हिमाचल की तरफ जा सकते हैं। मतलब ये जो हमारा रोड है, जो खरड़ लांड्रा हाईवे, काफ़ी बिजी रोड है आपका, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो पूरे दिन में यहाँ पे कोई 50,000 गाड़ियाँ गुजरती होंगी। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट का फुटफॉल है वो किस तरीके का रहने वाला है। अगर मैं बात करूंगी इस प्रोजेक्ट की, तो इसमें आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो विद ब्रांड आपको मिलने वाली है, जिनमें से कुछ ब्रांड्स के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका रिलायंस ट्रेंड्स आने वाला है, जूडियो आने वाला है, फुटप्रिंट आने वाला है, आपका ऑक्टेव रहेगा, मिनीसो जैसे, मतलब काफ़ी जाने माने ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, जो ऑलरेडी साइन अप हो चुके हैं। रिलायंस डिजिटल है आपका, मतलब जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपका पूरा सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है, जिसमें आपको एश्योर्ड रेंटल इनकम भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइज, हमारा ये जो आज का प्रोजेक्ट है, इट्स काइंड ऑफ ओपन मॉल कंसेप्ट, जो कि 5 acres का टाउनशिप रहने वाला है। अगर मैं बात करूँगी इसमें तो बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको फॉर द इन्वेस्टमेंट। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट का, जिसमें अगर मैं फ्रंट की बात करूँगी तो 529 feet का प्रोजेक्ट का फ्रंट रहने वाला है, जो कि बहुत सारी विजिबिलिटी कैप्चर करने वाला है हाईवे से। बहुत इजीली विजिबल रहेगा जो भी लोग गुजरेंगे हाईवे से। अट्रैक्टिव पार्ट एक रहने वाला है क्योंकि काफ़ी वाइड फ्रंट मिलने वाला है। उसी के बाद अगर मैं इनसाइड में बात करूं तो यहां पे आपके 5 blocks रहेंगे कंप्लीट प्रोजेक्ट के, ब्लॉक A, B, C, D, E, एंड उनमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपका DSS है, आपके शोरूम्स हैं, आपको सोहोज मिल जाएंगे, फूड कोर्ट्स आपके रहने वाले हैं, रेस्टोरेंट्स रहेंगे, जो आपके विद ब्रांड्स रहने वाले हैं सारे के सारे।
जिसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपस में कनेक्टेड रहने वाला है थ्रू ब्रिजेस। मतलब अगर आप एक स्टेयर से चढ़ते हैं आप पूरे प्रोजेक्ट को घूम सकते हैं, जैसे कि हमारा मॉल होता है, एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं हम पूरा मॉल घूम लेते हैं उसके थ्रू। वैसे ही सेम आपका ये प्रोजेक्ट भी रहने वाला है, ओपन मॉल कंसेप्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन किया था। गाइज, अगर हम साइजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके शोरूम्स रहेंगे वो आपको दो डिफरेंट साइजेस में मिल जाते हैं। फर्स्ट आ जाएगा आपका 15x68 का एंड सेकेंड आ जाएगा आपका 15x60 का। DSS की अगर मैं बात करूँगी तो वो रहेगा आपका 12x48 का। शोरूम्स के हाइट की अगर मैं बात करूँगी तो जो आपका लोअर ग्राउंड का शोरूम है वो आपका 12 फीट की हाइट के साथ रहेगा, अपर ग्राउंड का जो है वो आपका 20 फीट की हाइट के साथ रहेगा एंड जो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पे आ जाएंगे वो 11 फीट की हाइट के साथ रहेंगे। सो गाइज, ये था हमारा आज का कमर्शियल प्रोजेक्ट जो बना हुआ है 5 acres में, बहुत प्राइम लोकेशन पे बना हुआ है। अगर आसपास के एरिया की बात करूंगी तो वो भी आपका काफ़ी हाई डेंसिटी एरिया है जिससे आप फुटफॉल का आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही हैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी तो 42 लाख से यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है एंड मैक्सिमम की अगर बात करूंगी तो 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू। पोजेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका ए ब्लॉक है एंड जो आपका बी ब्लॉक है उसका पोजेशन आपको विद इन दिवाली मिल जाएगा। तो एंड जो बाकी हैं उसका जो पूरे प्रोजेक्ट की पोजेशन की अगर मैं बात करूंगी तो वो आपको इन एंड ऑफ 2025 मिलने वाला है। प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, जो आपका ए एंड बी ब्लॉक है जिसका पोजेशन मैंने बोला कि आपको विद इन दिवाली मिल जाएगा, वो आपका ऑलमोस्ट बन चुका है, बस उसका फिनिशिंग का काम थोड़ा बहुत बाकी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।